नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्रेकआउट को समझेंगे कि आखिर हम सही ब्रेकआउट का कैसे पता लगाएं और सही ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। और दूसरी बात ये कि जो लोग एंट्री लेते ही लॉस में चले जाते हैं, वो लोग अपने लॉस को कैसे बचाएं और सही एंट्री कैसे लें। देखिए, जब आपको सही ट्रेंड पता चलेगा ना मार्केट का, कि मार्केट सही है नीचे में या फिर अपसाइड सही है, तो तब तक आप सही प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। जो जिनको लॉस होता है ना, वो क्या करते हैं, वो यहाँ एंट्री लेते हैं सेल की, मार्केट ऊपर जाती है तो वो यहाँ बेच देते हैं। जो लोग बाय करना चाहते हैं वो यहाँ बाय करते हैं, मार्केट नीचे आती है वो यहाँ सेल कर देते हैं। तो ये कुछ होता है हमारे साथ। अब हमको कैसे पता चले यहाँ बाय करना है या नहीं, या फिर यहाँ सेल करना है या फिर नहीं, तो ये चीज क्लियर होगी आज की वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल एक चीज और आपको बता दूं कि जो चीज आज मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको चार्ट्स देखकर बता रहा हूं, वो अगर किसी को परेशानी होती है ये चीज देखकर, तो वो मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस भी देख सकता है। मैं आपको एंड में एक ऐसी वीडियो भी बताऊंगा जो एग्जांपल आज मैं आपको इस चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, वो मैंने लाइव ट्रेड करके भी शो किया हुआ है कि स्टॉक कैसे एक फेक ब्रेकआउट देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि जब भी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं मिनिमम। कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? दो। तो हम लोग समझ लीजिए, एक इतना सा हमने चार्ट, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ छोटा सा चार्ट ओपन करते हैं, तकरीबन कहीं से भी ओपन कर लो। मैं यहां से ड्रॉ करता हूं और दूसरा पॉइंट यहां जोड़ देता हूं। अब मेरे को दिखा यहां पे क्या दिखा, मेरे को दिखा मैंने यहां जोड़ा है, यहां जोड़ा है, तो भैया बन गई एक ट्रेंड लाइन, बिल्कुल सही बन गई। लेकिन आप लोगों को यह भी देखना है कि क्या ये ट्रेंड लाइन वाकई में हिस्टोरिकल बेसिस पे कमाल कर रही है या नहीं कर रही। अब अगर आप इसको पीछे देखोगे तो यहां से भी ये जुड़ रही है, यहां से भी स्टॉक जो है वो जुड़ा हुआ है, स्टॉक यहां से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं अभी क्या करता हूं, थोड़ा सा जूम कम करता हूं, तो देखते हैं क्या और पीछे जुड़ रही है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो स्टॉक यहां पे भी जुड़ा है, यहां पे भी जुड़ा है, यहां पे भी जुड़ा है। मैंने पीछे तो नहीं देखा ना, मैं ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं कि देखिए स्टॉक है ना इस लाइन को कितने प्यारे प्यार से सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसको रेजिस्टेंस मान के चल रहा है। आप देखो ध्यान से समझो इस चीज को कि जब आप दो पॉइंट जोड़ते हो तो वो पीछे भी जुड़ने चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो चार्ट को थोड़ा ज्यादा ओपन कर लेंगे और वो बोलेंगे कि हम यहां से ड्रॉ करते हैं, तो वो जो एक ट्रेंड ड्रा करेंगे वो कुछ इस तरह से एक ट्रेंड ड्रा हो जाएगा। आप लोग नोटिस करें इस चीज को कि वो कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगा। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि भैया मुझे यहां से ड्रॉ करना है, मैं यहां से लेके चलूंगा, मेरे को लगता है यहां पे है तो मैं इस तरह से करूंगा, तो क्या ये भी ट्रेंड बनेगा? तो आप लोग एक चीज देखो, अगर आप यहां पे ड्रॉ करते हो तो आपको कितने रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, एक दो तीन, तो ये पावरफुल है। या फिर आप अगर इसको 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 देखते हो तो आपको ये देखना है सबसे ज्यादा सपोर्ट्स रेजिस्टेंस जो है वो कहां आ रहे हैं, आपको जिस लेवल पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहे हैं वो वाली ज्यादातर सपोर्ट आपकी या फिर वो रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो ट्रेंड है। अब देखिए आप देख रहे होंगे ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन भी सही है बट ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, ये यहां पे ब्रेकआउट हो चुकी है, ठीक है, यहां पे टूट चुकी है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो ये वाली आएगी, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो ये वाली आएगी, तो इस तरह से ट्रेंड लाइन है। यानी कि इसे आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म, इसे कह सकते हो ये वाली जो हमने ड्रा की शॉर्ट टर्म, ये वाली कह सकते हो आप लॉन्ग टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म कह सकते हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि जब आप दो पॉइंट्स को जोड़ रहे हो तो क्या वो पीछे भी सपोर्ट करता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाली को यहां जोड़ा और इसको यहां जोड़ दिया, वहीं अगर मैं स्टॉक को देखिए यहां पे जूम आउट कम करता हूं तो क्या ये वाली पीछे से सपोर्ट कर रही है, इतनी नहीं कर रही है, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। बट जब मैंने इस लाइन को यहां पे जोड़ा था तो ये काफी ज्यादा सपोर्ट इसको यहां से मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रहे हैं यहां पे काफी ज्यादा मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली काफी ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं यहां पे कि हम लोग
सारी ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर ले। अब कैसे, मेरे को कुछ लोग बोलेंगे ये क्या गंद मचा दिया आपने, तो भैया गंद मचाओगे ड्राइंग करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करते हो तब भी आपको एक ट्रेंड ये वाला भी मिल जाएगा, इसको आप एक जोन कह सकते हो, स्टॉक यहां पे भी आ सकता है कभी ना कभी। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। मेरे को लगता है ये दो लाइंस जो हैं, ये दो जोन जो हैं काफी अच्छे रहेंगे हमारे लिए अगर हम इनको मानकर चले तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि फेक ब्रेकआउट कैसे पता करना है। आई होप आपका ये जो ट्रेंड लाइन वाला चक्कर था ये बिल्कुल ठीक हो गया होगा कि भैया अगर हम दो पॉइंट जोड़ते हैं तो हमको ये भी देखना है कि क्या वो पीछे भी जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। कहीं हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पीछे उसकी कोई सपोर्ट ही नहीं है, मैंने ये और ये दो तो जोड़ दिए, ठीक है ना, मैंने ये और ये तो जोड़ दिए लेकिन इसके पीछे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो कम से कम चार पांच सपोर्ट खुद ब खुद मिल जाए तो इट मीन्स दैट्स ट्रेंड लाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से है, वाकई में वो वर्क कर सकती है, तो ठीक है। तो इस केस में हम लोग इस ट्रेंड को ले सकते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन भी भैया बन सकती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होगी। कितनी जल्दी ये टूट गई, मतलब इसकी वैल्यू नहीं है, ये स्टॉक इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बट इसको रिस्पेक्ट दे रहा है स्टॉक, तो हम मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जब भी इस लेवल के पास आएगा या इसको तोड़ेगा तो ये एक सही ब्रेकआउट हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं सही ब्रेकआउट कैसे देखना है। हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, अब हम चलते हैं यहां पे, आ जाते हैं यहां पे, यहां पे, यहां पे चलते हैं पीछे, ठीक है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अब किसी ने एक चीज देखी कि यहां पे एक ब्रेकआउट आया है, या फिर अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, ये रिमूव कर दूं, ठीक है, नॉर्मल सा अगर हम देखें, हम इसको फॉलो करके चलें, तो दोस्तों काफी सारे लोगों को एक चीज यहां पे देखने को मिलेगी कि स्टॉक ने यहां एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था। मेरे साथ बने रहना, मैं आपको बड़ी सारी चीजें बताऊंगा, अभी और भी बनेंगी, और इस वीडियो पे मेरा कम से कम 300 लाइक्स का टारगेट है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं वो मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक पे। तो देखो स्टॉक जब यहां से घूमकर एक इस तरह से घूमकर कुछ यहां आया था तो काफी सारे लोगों को लगा होगा ये ब्रेकआउट है, बट हम इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको ब्रेकआउट क्यों नहीं मानूंगा, मैं कैसे नहीं कह सकता कि ये सही ब्रेकआउट है, हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाकई में सही ब्रेकआउट नहीं है, मैंने ये कैसे कह दिया, आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा, ठीक है। या फिर अगर हम इसको और जूम आउट कम करते हैं तो आपको यहां पे भी दिखेगा कि ये भी एक ब्रेकआउट है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। कुछ लोगों को यहां पे भी दिखेगा कि ये ब्रेकआउट फेक हो चुका है, सही है। कुछ लोगों को यहां दिखेगा कि भैया काफी टाइम से स्टॉक इसके ऊपर है तो ये एक ब्रेकआउट ही तो है। काफी सारे लोग क्या करते हैं जब स्टॉक इस तरह से एक रैली, मानता हूं कि ये कुछ देर ट्रेड किया निकल गया, ये थोड़ा सा ट्रेड किया, बट ये जो कैंडल्स बनी है यहां पे, एक दो तीन चार पांच, यहां पे तो भैया स्टॉक सबका दिल जीत लेगा कि भैया मैं तो अब गया, क्योंकि कैंडल जो है वो काफी बार क्लोज दे चुकी है, तो काफी सारे लोग यहां पे भी एंट्री ले लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, क्या होती है, जब भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये स्टॉक यहां से ऊपर गया या फिर यहां से ऊपर गया, दोस्तों स्टॉक जब एक बार ऊपर जाता है तो वो जब तक एक अपना पीछे वाला रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता जहां से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था, तब तक हमको एंट्री नहीं लेनी होती है। इस केस में अगर हम लेके चले तो दोस्तों ये वाला जोन अगर स्टॉक क्रॉस करता, क्यों ये क्रॉस करता, क्योंकि यहां से ये गिरा था नीचे, आप देखोगे 95 से 2395 से नीचे आ गया था 2368। अगर ये स्टॉक देखिए यहां से ब्रेकआउट देता ऊपर की तरफ, ये वाला जोन तोड़ देता तो हमको एक ट्रस्ट मिलता कि हाँ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, बट हम लोग यहां पे ब्रेकआउट जब देता है स्टॉक फर्स्ट टाइम पिछले वाले रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हमको यहां पे एंट्री नहीं लेनी होती है। हमको क्या करना होता है, हमको वेट करना होता है स्टॉक के नीचे आने का। याद रखना मेरी एक बात, मैं अपना ट्रेडिंग रूल बता रहा हूं जो मैं ट्राई करता हूं, मैं इंप्लीमेंट करता हूं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने फील किया है, मैं वो बता रहा हूं।
स्टॉक हमेशा जिसने आपको प्रॉफिट देना है जब वो फर्स्ट टाइम किसी रेजिस्टेंस को पीछे से तोड़ता है तब वो नीचे जरूर आता है, और उसके बाद अगेन जब वो 1 मिनट की ले लो, 1 आवर की ले लो, कैंडल को जब क्रॉस करता है दोबारा से हाई मारता है तब आप यहां पे एंट्री ले सकते हो। तो इसका जो यहां से टारगेट निकलता है वो पिछला जो होता है वहां तक, तो यानी कि स्टॉक यहां तक जाने की कोशिश करेगा इस लेवल के पास, तकरीबन आप कह सकते हो इस लेवल के पास यहां से। तो यानी कि आप अगर इस लेवल पे एंट्री लेते, यहां पे आपको ये देता तो आपको तकरीबन एक अच्छी मूवमेंट यहां मिल जाती, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जब एक स्टॉक कहीं एंट्री एक ब्रेकआउट दे रहा है तो क्या पीछे वाला ब्रेकआउट टूटा। अब देखिए स्टॉक ने यहां ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां एक ब्रेकआउट दिया था, आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर यहां भी तो ब्रेकआउट हुआ था, हमने ये क्यों नहीं ब्रेकआउट लिया। लेकिन हम लोग जो एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करते आ रहे हैं वो ये वाली है, तो क्या स्टॉक यहां तक गया था, नहीं गया था, ये वाला जो स्टॉक है सिर्फ इसको पूरा करने के लिए यहां आया था, ये बात ध्यान रखिए। ये इसी लाइन की जो ट्रेंड थी इसको पूरा करने के लिए यहां पे आया था और लोग यहीं फंस जाते हैं। तो आपको पिछला ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है। अगर ये स्टॉक यहां से यहां तक जाता उसके बाद नीचे आता, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां से जाता ये वाला जो ट्रेंड था ये ब्रेकआउट देता ऊपर की तरफ फिर नीचे आता कहीं ना कहीं, चाहे वो यहां तक आता कहीं भी ट्रेड करता उसके बाद अगेन ऊपर जाता, तो आप लोग यहां पे एंट्री ले सकते थे और ये वाला स्टॉप लॉस डाल सकते थे। इस केस में जो हमारा टारगेट था वो ये वाला बन सकता था नियर अराउंड, ये बात ध्यान रखना। बट अगर स्टॉक एकदम से ऊपर चला जाता है तो आप एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और अब इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं कि जब भी स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है कोशिश करें कि वो जो ब्रेकआउट है वो 15 मिनट की कैंडल पे आया हो या फिर 1 आवर की कैंडल पे आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा यहां पे लेके चलता हूं। देखिए आप में से जो लोगों को लगता है कि स्टॉक एंट्री का मौका नहीं देता, आप लोग अगर नोटिस करोगे जब स्टॉक इस ट्रेंड को यहां पे फॉलो कर रहा था तो देखो इस ट्रेंड को लाइन को यहां पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, देखो यहां से एकदम से ऊपर चढ़ गया ये स्टॉक, यहां पे ब्रेकआउट आया। अगर आप नोटिस करते हो तो मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि ये जो ब्रेकआउट है इसका ब्रेकआउट है, यानी कि स्टॉक ने इस वाले लेवल को तोड़ा है। याद रखिएगा स्टॉक ऊपर गया, देखिए स्टॉक वहां से नीचे आया, तकरीबन इसी लेवल के आसपास आने की कोशिश की स्टॉक ने, उसके बाद ऊपर गया। तो अगर आप यहां पे एंट्री लेते तो देख लीजिए आपको कितनी अच्छी मूवमेंट यहां पे मिल जाती। तो स्टॉक जब भी ऊपर जाता है कभी भागना नहीं है स्टॉक के पास, आपको स्टॉक खुद एंट्री देने के लिए एक बार नीचे आएगा। और अगर स्टॉक नीचे नहीं आता है इसका मतलब वो फेक ब्रेकआउट है, कहीं ना कहीं आपको लॉस के चक्कर में वो घुमा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये एक सही ब्रेकआउट पकड़ने का तरीका है कि पिछला वाला रेजिस्टेंस टूटना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। पिछला वाला रेजिस्टेंस टूटेगा जहां से स्टॉक गिरा था तभी आपको लेनी है एंट्री, और अगर वो ब्रेकआउट सेकंड टाइम टूटता है तो, मेरी बात ये ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं उन लोगों के लिए सवाल का आंसर जो लोग कहेंगे कि सर हमको लाइव प्रूफ करके दिखाओ कि भैया एग्जाम्पल के साथ कि क्या ये वाकई में होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा हमारी जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर आप लोग जाइएगा और आपको एक वीडियो मिलेगी यहाँ पे टेक्निकल स्टडी के अंदर, एक हमारी प्लेलिस्ट है, तो इसको बंद करते हैं। आपको इसके अंदर जो वीडियो देखना है वो वीडियो है ये वाला, प्राइस एक्शन जीरो रिस्क स्ट्रेटजी पार्ट टू, डोंट डू दिस मिस्टेक। मैंने ये लाइव प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि स्टॉक कैसे एक फेक ब्रेकआउट जो है वो देता है, जो कि यहां पे आया और स्टॉक लोग एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद उनको रिस्क हो जाता है। काफी सारे जो लोगों को एंट्री लेते ही लॉस होता है वो यहां पे कहीं एंट्री लेते हैं, स्टॉक उसके बाद नीचे आ जाता है और उनको लगता है कि वो गलत है और वाकई में वो गलत होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से होती है, जब भी आप इस तरह से एंट्री लेंगे आपको कभी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा मानना है। बाकी रिस्क आपका है, कभी कभी नहीं भी ब्रेकआउट होता आपको, लेकिन इसमें 10 में से 8 ट्रेड जो होंगे वो बिल्कुल सही मिलेंगे अगर आप 15 मिनट के बेसिस पे भी चेक कर लेंगे कि भैया स्टॉक जो है वाकई में एक ब्रेकआउट दे चुका है या नहीं दे चुका है, ठीक है।
तो ये बात थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर कोई चीज कवर नहीं हुई है इस वीडियो में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और 300 लाइक का जो टारगेट है प्लीज उसको कवर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल।